नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैसो टेक पे। दोस्तों, गैस से रिलेटेड हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि गैस से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके अपने मोबाइल पे मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दिसंबर महीने में गैस का दाम सीधे 100 रुपये बढ़ गया है, वो भी 15 दिन के अंतर में। पहले 2 दिसंबर को 50 रुपये गैस का दाम बढ़ा था, उसके बाद अचानक ही 15 दिसंबर को फिर से 50 रुपये का गैस बढ़ गया है, जो कि सीधे हमारे और आपके पॉकेट पे असर डालता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो अचानक से 100 रुपये गैस का दाम बढ़ गया है। तो दोस्तों, गैस का दाम बढ़ने का बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, लेकिन 2 मेन रीजन हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ कि आखिर गैस का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। पहला रीजन है दोस्तों, अचानक से ही गैस सिलेंडर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो पहला रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर गैस का डिमांड इतना ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गया। जैसा कि दोस्तों, अभी भी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लगभग 1 साल होने वाला है कोरोना महामारी का। उसी बीच लगभग 5 से 6 महीने हम लोग ने अपने घरों पर काटा है लॉकडाउन के अंदर। उस टाइम लॉकडाउन के अंदर कोई भी होटल्स, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए थे। लगभग 5 से 6 महीने हम सभी लोग अपने घर पे ही खाना खाए होंगे, जो कि खाना भी चाहिए, क्योंकि हमको खुद से अपना बचाव करना है और करते भी रहना है, ताकि कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो जो आपका सिलेंडर 1.5 महीने में ख़त्म होना चाहिए था, वो आपका लगभग 1 महीने या 1 महीने 5 दिन में ही ख़त्म हो जाता होगा, क्योंकि आप 5 से 6 महीने अपने घर पर ही खाना खाते रहे होंगे। दोस्तों, जब जो शहर में काम करने वाले लोग थे, वो अचानक से जब अपने गांव में लौटे थे, तो गांव में भी गैस सिलेंडर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों, ये डिमांड कम करने के 2 ही सॉल्यूशन थे, या फिर गैस का दाम बढ़ा दिया जाए तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगा, या फिर गैस का सप्लाई बढ़ा दिया जाए ताकि सबका डिमांड पूरा हो सके। तो दोस्तों, सप्लाई बढ़ाना तो मुमकिन नहीं था, तो गवर्नमेंट ने अचानक से ही 100 रुपये गैस का दाम बढ़ा दिया ताकि डिमांड अपने आप ही कम हो जाए। तो दोस्तों, ये पहला रीजन रहा। दूसरा रीजन दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट होता है, जो कि सीधे हमारे मार्केट पे भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इंडिया खुद से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बहुत ही कम करता है। लगभग 70 से 80% नेचुरल गैस इंडिया दूसरे देशों से मंगाता है। तो जब दूसरे देशों में नेचुरल गैस का दाम बढ़ेगा, तो डायरेक्टली ही हमारे देश पे उस पर उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो दोस्तों, जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम बढ़ते हैं, तो वही डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मार्केट पे दिखाई पड़ता है। तो दिसंबर महीने में इसी वजह से 100 रुपये लगभग गैस का दाम बढ़ा दिया गया था अचानक से। दोस्तों, और भी छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं, मैं आपसे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो 2 मेन रीजन थे मैंने आपको समझा दिया, ताकि आप गैस से रिलेटेड हर एक जानकारी से अपडेट रह सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गैस से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, धन्यवाद।